एंड um, इससे पहले भी शिया मॉस्ट पे बिनकी uh, तो मॉस्टर तो के बाद वेडी टू टेक योर कॉल्स Welcome back और है तो बहस जारी है गुफ्तु जारी है, जारी है लेकिन आप सब जी अल्लाह का शुक्र आप खैरियत शुक्र अलहमद गांधी साहब अभी बात हो रही है जो अभी अहमदी कम्यूनिटी की पे जो अटैक्स हुए हैं और उस हवाले से बात हो रही है आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आती है इस तमाम जो जो व फिर वारियत है जो कत्ल वारत है जो दहशत गर्दी हमारी अकलीतों के खिलाफ हमारे लोगों के खिलाफ हो रही है इसके लिए वॉट स्टेप फॉरवर्ड आउट ऑफ दिस चीज मज़हब और मजहबीम के बारे में जहालत से पैदा हुई है हमने कभी इस चीज़ की तरफ तोज्ह नहीं की कि हमारे यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है किन चीज़ों की नश्व इशास हो रही है जो तो बीज हमने बोए हैं उन्हीं को हम काट रहे हैं इस वजह से जब तक हम अपनी पूरी सोसाइटी के नुक़ नजर को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक इस तरह के ग्रुप मनज्म होते रहेंगे और वो अपने मुखालफन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां भी करते रहेंगे मैं तो इसका बुनियादी सबब जहालत को समझता हूँ तो इस जहालत से निकलने का क्या रास्ता है इल्म जहालत से निकलने का रास्ता यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इल्म की इशात करें अपने सही मजहबी तस्वुरा को लोगों के सामने वाजे करें ये हकीकत लोगों को बताएं कि खुदा की स्कीम इस दुनिया में यही है कि लोगों को आज़ादी से राय कायम करने का हक मिले वो जो राय चाहते हैं कायम करें अल्लाह त्यामत में उनके अकायद का हिसाब करेगा कुफर शिरक और इस तरह की चीज़ों का महासबा अल्लाह का हक है ये किसी बंदे का हक नहीं है ये बुनियादी बात समझाने की जरूरत है इस दुनिया में हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो किसी जुल्म किसी उदवान किसी ज्यादती पर कर सकते हैं कुफर पर शिरक पर किसी की गुमराही पर मुहासबा करना खुदा का काम है और खुदा वो मुहासबा क्यामत में करेगा हमें मुहासिब बनकर नहीं खड़ा होना हमारा असल मुकाम दावत देने का है हमें इस्तदलाल के हथियार के साथ मैदान में उतरना चाहिए दलील के हथियार के साथ हम लोगों को कायल करें अपनी बात का ना कि उनकी गर्दने मारे और उनकी इबादत पर हमले करें ये इस्लाम के साथ भी दुश्मनी है और मुसलमानों के साथ भी दुश्मन तो आज पाकिस्तान में ज, ज, जिस तर, जिस किस्म की तालीम और इल्म की आपने बात की वो क्यों नहीं सिखाया जा रहा इससे तो बहुत कुछ मुख्तलि हमारी, हमारी सोसाइटी को इससे दिलचस्पी है की मजहबील को दुरुस्त होना चाहिए ना हमारी हुकूमतों को इससे दिलचस्पी है ये हमारी दिलचस्पी का मौजू ही नहीं है मजहबी इलम क्या है उसकी बुनियादे क्या है ये फिरका वारी कहाँ से पैदा होती है कहाँ से बरगोबार लाती है ये जो आदमी इलम के पस मंजर से वाकिफ़ है उसको मालूम है कि ये कहाँ से पैदा होती है लेकिन क्या हमने कभी इस पर कोई टास्क फोर्स बनाई कभी कभी इसका एनालिसिस किया कभी ये जानने की कोशिश की हम ज्यादा से ज्यादा जो कुछ करते हैं वो ये है कि लम्मा से एक बयान दिलवा दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही इतहाद पर कुछ गुफ्तू कर दी इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और जब ये इस तरह के गिरोह मनजम हो जाते हैं तो एक बार तलवार म्यान से निकल जाती है उसे म्यान में वापस लाना आसान काम नहीं होता मेरे नजदीक एक बड़ा मामला है और पाकिस्तान पाकिस्तान की हमत खतरे में है इस इसका जायजा लेने की जरूरत है और इसके इस को अंदर उतर कर समझने की जरूरत है Thank you so much Thank you for being मुझे गांधी साहब की ज्यादातर बातों से तफाक है। और मज़हबी तालीम तो यहाँ बहुत दी जा रही है लाखों मदरसे हजारों मदरसे और लाखों और लाखों ताली वहाँ भी तालीम को ठीक नहीं दी जा रही उसकी असलाह करने की जरूरत है लेकिन ये मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप मजहब को रियासत से अलग नहीं करते और ये एक फर्द मामला ना हो ये बांग्लादेश में भी अभी हुआ। जी, अगर ये नहीं होता अगर इस्लाम पे लोग हैं जो काय आपके पास खास है जो काय अजहम ने कहा अच्छा? था कि आप टेम्पल जाए मस्जिद जाए इसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं आप मुसलमान हो आप सिख हों आप ईसाई हो जैसे गांधी साहब ने कहा है कि फेज के मामले का ताल्लुक अल्लाह से है, रब और बंदे के दरमियान है और इस्लाम में कोई बीच में चर्च नहीं है पादरी नहीं है जो कहेगा तुम अच्छी ईसाई हो या नहीं हो अच्छे मुसलमान हो या नहीं हो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो वक्फे में हो रही थी जी। इस सब का आगाज हुआ है पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने की कोशिशों से कायदाम के ख्याल के ख्याल के खिलाफ दूसरा कादानी एंटी कादानी मूवमेंट से लोगों ने कहा यह तो छोटा सा फिर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे फिर शिया के खिलाफ चली अब जो है ईद इद, अब ईद इद बिलादुलनबी नहीं आप कर सकते आपको मालूम है ईद नबी के जुलूस में फायरिंग हुई है लोग मारे गए हैं लोग कहते हैं जो यारसल्ला कहते हैं वो काफ़र है तो ये कुफर बनाने की फैक्ट्री जब जस्टिस मनीर ने यह सवाल जब एंटी कादियानी फसाद के बाद ये जो गाबी साहब कह रहे हैं तहकी हुई तहकीक उनके सामने सवाल था कि कौन मुसलमान की तारीफ क्या है तो उन्होंने वुमा की का इंटरव्यूज किए और कमीशन की रिपोर्ट आई कि किसी आलिम का दूसरे इतफ़ाक़ नहीं था कि कौन मुसलमान है जी, भी में ना पड़े इसे ना देखे बात ये ये तक है। नहीं, नहीं। आगे ये है मुबतला है वो दहशत गर्दी के दहत गर्दी के खिलाफ जंग जो आई है अफगानिस्तान से पहले सोवियत यूनियन वहां आया उसके नतयज पैदा हुए अब नेटो फोर्सेज और अमेरिका की फोर्स वहां है उसके नतजरा हमारे ऊपर बढ़ते हैं जो तालीम ना होने की वजह से है दहशत गर्दी ये फिरका वारियत एक अलग मौजू है उस पर गुफ्तु भी होनी चाहिए उसे ख़त्म भी करना चाहिए लेकिन ये जो हमला है ये फिर वारियत नहीं है ये, ये बिल्कुल मैं कुछ कहना चाहूंगा मैं सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि मैं शामी साहब के इस मौक़ से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि दहशत गर्दी और फिर वारियत का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है मैं इस बात से भी इतफाक नहीं करता हमारे जो सारे मसाइल हैं वो पहले सोवियत यूनियन फिर अमेरिका और नेटो की फ़ौजों का अफ़गानिस्तान में आना और हमारा उनमें कोई ना रोल रहा है ना एजेंसी रही है जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे जब तक हम खुद अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे एज ए सोसाइटी अब एज ए रियासत कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ये मसला हल ऐसे नहीं होगा और मैं इम्तियाज़ आलम साहब से बिल्कुल इतफ़ा करता हूँ कि रियासत और इस्लाम कोलहदा होना पड़ेगा

और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ जो है वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए सिर्फ अमेरिका की जो माइल्ड स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि जी ये ये हम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक्य था और हम इसमें इंक्वायरी करवाएंगे इससे कोई कुछ नहीं होगा अमेरिका को एक्शन लेना पड़ेगा इसके ऊपर पूरी दुनिया को एक्शन लेना पड़ेगा और इसराइल जो है वो ज्यादा पे ज्यादा किए जा रहा है साल हर साल से और ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हुआ है इसराइल कोई अथॉरिटी नहीं थी कि दीस सिविलियंस के ऊपर एंड एंड द ह्यूमन राइट्स भी पूछेंगे देखिए ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादी है और आलमी कवान की ख़िलाफ़ वर्जी है और ये दहशत गर्दी है नहाते लोगों के खिलाफ जो कि सिर्फ एड वर्कर्स थे लेकिन मैं इसे इस्लाम और ईसाइत ये यहूदियत की, की जंग बनाने में बिल्कुल तैयार नहीं हूँ हमारे कुछ नादान लोग ये बनाने में तुले हुए हैं शौक़ पूरा कर लेंगे पर ईसाई भी थे यहूदी भी थे और तमाम मजहब के लोग थे और कई मुल्कों के लोग थे और पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है इसराइल इसमें काफी खुद इसराइल के अंदर एहत हुआ है विस्ञाग उस्टेट विस्ञाग उस्टेट और ये उनकी जो देखिए बात यह खतरे पड़ रही है ये जो जो लोग गए हैं उस अंदर मैं उन्होंने बहुत खिदमत की है देखिए आप रजिस्ट करते हैं ना एक पीस ऑफेंसिव था यानी आप एक जगह से एक से जग जग... जग... और पूरी दुनिया का जमीर जो है उसको झंझोड़ा है उन्होंने तो जो लोग गए हैं वो बड़े मुबारकबाद के मुस्क हैं जो हमारे पाकिस्तानी साथी अखबार नवीस गए हैं तलत हुसैन गए हैं और उन्होंने एक का बड़ा यानी मैं समझता तो हूँ एक अपना फ़र्ज़ अदा किया है और हमें भी उस एक एजाज़ जो है हमें दिया है पाकिस्तानियों को एक बात तो ये है दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अली साहब की बात से और पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तानी रियासत इस्लाम से अलग हो जाए ये मैं खबर देना चाहता हूं और अच्छी तरह नोट कर ली यह भाई यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ सही ये ये नो डाउट हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम ये मुस्लिम वर्सेज यहूदी कर रहे हैं या हम इस तरह कुछ कर रहे हैं दिस इज मैटर ऑफ गुड एंड ईवल ठीक है ने जो जो हरकत है ठीक है आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर दुनिया ने उससे डिफरेंस हमको पता है तो लीबिया शॉट डाउन अ प्लेन और तो, तो, जहाज किया प्रोग्राम जी बात चाहे इस्लामिक स्टेट हो चाहे नॉन इस्लामिक स्टेट हो चाहेर स्टेट हो इस्लामिक स्टेट भी अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है अगर हम ट्रूली इस्लामिक स्टेट होते तो यह ना होता है यहाँ पे हम यहाँ बैठे इस तरह किसी हसन कुछ कहना चाहेंगे आप आखिर में जी मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें तो कोई दो ओपिनियंस हो ही नहीं सकते कि इसराइली स्टेट जो है वो एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला अ, स्टेट है जिसने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है फलस्तियों को और उसकी जो बिहेवियर रहता है दुनिया में वो अक्सर जो है बहुत स्टेट है इसमें कोई शक नहीं है और बिल्कुल एहत्या का हक जो है वो सबको दुनिया में होना चाहिए और इसराइलियों के खिलाफ भी होना चाहिए और फलस्तियों के हक में भी होना चाहिए और एम जीओ के हक में भी होना चाहिए अगर वो करना चाहें थैंक यू सो मच अली हसन आई एम सो सॉरी क्योंकि वक्त खत्म हो गया है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे सबसे का सवाल था लोग कहते हैं लोड शेडिंग ट्वेंटी नाइन परसेंट कहते हैं महंगाई सोलह फीसद सिर्फ कहती है तालीम भाई सिर्फ सोलह फीसद. थर्टीन फीसद इंसाफ की फरहमी और सेवन परसेंट कहती है माहौल ये हमारी तरफ से आपके लिए एक नन्ना मुन्ना तोहफा आपने जो बुग... सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और जिनकी राय की हम इज्जत करते हैं अली है। हसन आपको लाहौर पाकिस्तान जिंदाबाद